उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं कि एनआईए के जो आवेदन उसको खारिज किया गया। भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार थी, 2016 में विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया था कि सीबीआई की जांच कराएंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे रोक लगाया और उस आदेश को रमन सिंह जी 2 साल तक दबाए रखे। 2018 मार्च में मैंने एक पत्र लिखा था कि इसके बारे में क्या हुआ, उसका भी जवाब मुझे नहीं दिया। जब हम लोग सरकार में आए तो सारे तथ्य हमारे सामने थे और इसके बाद एसआईटी हमने गठन किया, उसके खिलाफ लोग एनआईए कोर्ट गई। उसके बाद दूसरा एफआईआर जो हुआ उसमें भी ये लोग लगातार कोर्ट के माध्यम से रोकने की कोशिश की, लेकिन अंततः माननीय उच्चतम न्यायालय ने रास्ता साफ किया कि छत्तीसगढ़ पुलिस इस केस की जांच करेगी। तो जो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र हुआ था उसका खुलासा होगा इसमें। सर, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक आरोप आता है कि आप बहुत सारे तथ्य रखे हैं ऐसा कहते थे, लेकिन अब तथ्य दे नहीं रहे हैं, वो सब सामने आएंगे। एसआईटी गठन हो गया है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है, तो निश्चित रूप से जो षड्यंत्रकारी कौन कौन लोग हैं उससे जब पूछताछ होगी, जो वहां एनआईए ने तो वहां जो लोग उपस्थित थे घटना में उनसे तक कोई पूछताछ नहीं की, तो अब सारे तथ्य एक एक करके सामने आएंगे।